इस चॉपर में हम देखिए, मैं भी आपसे शेयर करती हूँ कि इस चॉपर में हम प्याज कितनी आसानी से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, और फिर हम इसे चाहे तो ऑमलेट के लिए इस्तेमाल करें, चाहे हम सालन के लिए इस्तेमाल करें। ऐसे हम इतने बारीक बारीक इसके पीसेस करेंगे और इसको चॉप कर लेंगे। चंद ही सेकंड में इसको कितना बारीक चॉप कर लिया है, लेकिन अभी हमारी ज़रूरत इससे ज़्यादा बारीक चॉप करने की है, तो हम इसको और ज़्यादा चॉप कर लेते हैं। ये देखिए नाज़रीन, इस चॉपर की मदद से हमने अपने प्याज जल्दी चॉप कर लिए हैं। अक्सर जब हम सालन बनाते हैं तो हमारे टमाटर मैश नहीं होते अच्छी तरह, उसमें शोरबे में नहीं घुले होते। अगर हम इस चॉपर के ज़रिए, जो मैनुअल चॉपर है, इसके ज़रिए हम चॉप करेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। इस चॉपर की मदद से हम अपने टाइम भी बचा सकते हैं और अपने बजट में भी कमी ला सकते हैं। अक्सर हमारे यहाँ लाइट अवेलेबल नहीं होती, तो ऐसे में हम इलेक्ट्रिक चॉपर यूज़ करने के बजाय हम ये हाथ वाला चॉपर इस्तेमाल करके अपना टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। ये देखिए हमारे टमाटर इतने अच्छे चॉप हो गए हैं। अब हम इसे अपनी किसी सब्जी में, जैसे किसी सब्जी में हमने टमाटर इतने ये देखिए हमारे टमाटर कितने अच्छे चॉप हो चुके हैं, इसे हम अब अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन, कि चॉपर में हम इस तरह से टमाटरों को चॉप करके ये भिंडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हैंड मैनुअल पीलर इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। ये देखिए इससे हम कितनी आसानी से आलू छील सकते हैं। इससे क्योंकि बाज़ दफ़ा लाइट नहीं होती, इसलिए हम मशीन यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये मैनुअल पीलर भी होना चाहिए। ये देखिए इस पीलर के ज़रिए हम लौकी भी छील सकते हैं, खीरा भी छील सकते हैं, गाजर भी छील सकते हैं, मूली भी छील सकते हैं,
ये आगे आप की अपनी मर्जी है कि आप इसे जैसे फायदा उठाना चाहें। ये देखिए मैंने कितनी आसानी से और नफासत से इस खीरे को साफ कर लिया। इस काम कर लेंगे, ये देखिए इससे हमारा छिलका भी वेस्ट, छिलका इससे हमारी लौकी भी ज़ाया नहीं होती और आसानी से हम छिलका भी उतार लेते हैं। ये देखिए हमने इस लौकी को कितनी आसानी से छील लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जैसा कि सुबह को हमने बच्चों के लंच वगैरह तैयार करने होते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ज़्यादा लंबा काम में पड़े, उसके लिए अभी हमारे पास कटर दस्तियाब है। इससे हम कैसे काम करेंगे ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए पहले हम एक आलू के दो पीस कर लेते हैं और फिर इसकी मदद से देखिए हम कितने आसानी से जितना बारीक और डिज़ाइन वाले चिप्स काटना चाहें हम काट सकते हैं। और ये डिज़ाइनिंग चिप्स बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमें भी ज़्यादा दिक्कत में नहीं पड़ना पड़ता। ये देखिए इसके ज़रिए हम सैलड की कटिंग भी कर सकानी से अपना तैयार कर सकते हैं। देखें डिज़ाइनिंग सैलड कितना आराम से हमारे पास कट के हाजिर है। हम जितने मर्जी चाहें स्पीडली तैयार कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ये वाला कटर है, इसके जरिए भी हम आसानी से बच्चों के लिए चिप्स काट सकते हैं या कोई हमारे घर मेहमान आ जाएं और हमें जल्दी हो तो हम मैनुअल कटर की मदद से काम ले सकते हैं। इसके लिए हमें पहले इस साइज़ में आलू छीलने होंगे और इसमें ऐसे रख के एक साइड पे और इसे हम पुश कर देंगे। देखिए कितने सिर्फ एक सेकंड में हमने कितने आराम से ये चिप्स काट लिए हैं। ये देखिए दो डिजाइनों वाले चिप्स हमारे पास तैयार हो चुके हैं।